मैं नहीं, मैं अभी अभी अपनी पार्किंग में था सर, तो मैंने अपनी पार्किंग में जो देखा, गाड़ियों की संख्या बहुत कम मुझे दिखी। मैं लगभग 6-7 साल से नोएडा में रहता हूं, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं 7 साल से लगभग हूं, इतनी कम संख्या में मैंने गाड़ी अपनी सोसाइटी में कम देखी। मेरा, मैं एकदम से चकरा गया। ये अभी अभी 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूं। कल चुनाव था, शुक्रवार था, आज शनिवार है और कल रविवार है, 3 दिन की छुट्टी। हम लोग कल जिक्र कर ही रहे थे इसका, आपने सवाल भी उठाया था कि चुनाव आयोग ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। यह दिखाता है कि नोएडा में, तो नोएडा एक ऐसे जगह पे जो उज्जड़ उज्जड़ जमीन थी उस पर बसाया गया एक महानगर है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ आज एक जर्मनी से हमारे एक मित्र, जो हमारे व्यूअर हैं, वो आए हुए थे मुझसे मिलने। वो नोएडा एक्सटेंशन को देखकर चौंक गए कि महान, वो यूरोप में भी ऐसा शहर उन्हें कभी नहीं दिखाई दिया। जिस मॉल में हम उनके साथ हम बैठने के थे, उसे देख करके वो चौंक गए कि ऐसा परिवर्तन। इस चकाचौंध में जो मिडिल फैमिली और हायर मिडिल फैमिली के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी, इसका मतलब है कि इस 3 दिन की छुट्टी में वोट देने की अपनी जिम्मेदारी से भाग करके लोग अय्याशी करने निकल गए, घूमने निकल गए, शिमला मनाली जो आसपास का इलाका है वहां चले गए, उनने वोट नहीं दिया। इसका मतलब है, इसीलिए इसका प्रामाणिक है कि एक तो उत्तर प्रदेश में वोटिंग कम हुई है, नोएडा में सबसे कम हुई है, जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है सबसे कम वोटिंग हुई है, 41-42% मुझे लगता है वोटिंग शायद 4 बजे के आसपास था, बहुत से बहुत 45% तक गया होगा। और ये लोग चाहते हैं कि मोदी सब कुछ करेगा। इन्हें गर्मी बहुत लगती है तो शिमला जाएंगे, इन्हें छुट्टी मिली अय्याशी करने जाएंगे। ये पूरा अय्याशी यदि अखिलेश यादव की सरकार आई तो वैसे ही निकालेंगी, जैसे आजम खान निकाला करते थे। तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जाए सर, ये क्या मैसेज दे रहे हैं, और इनके इस बर्ताव से जो 5 फेज में चुनाव होना है उनके लिए क्या संदेश है? मनीष जी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहूँ, बोलूंगा तो फिर बहुत अशोभनीय हो जाएगा। ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं का लाभ लेता है। मैं बड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, गाली तो बेचारे वो खाते हैं कि जो 80 करोड़, जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है या जिनको किसान सम्मान निधि मिली, उस पर ये सबसे ज्यादा सवाल उठाता है तबका, कह रहे उनको क्यों दिया जा रहा है, ऐसा है वो है। और ये वो तबका है, आज अगर 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं और गांव का मजदूर किसान उस पर नहीं चल रहा, वो तो कभी कभार जब उसको जरूरत होती तब चलता है, ये उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा ना पार्किंग में गाड़ियां नहीं थी, इस देश में जो 67-68 एयरपोर्ट थे वो बढ़ाकर आज 150 एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यही तबका करता है। मतलब जितनी सुविधाएं आप, वंदे भारत अगर आज के 50 के करीब पहुंच रही वंदे भारत, और अगले कुछ सालों में 400 होने जा रही वंदे भारत ट्रेन, उन वंदे भारत ट्रेन का इस्तेमाल यही तबका करेगा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या मतलब चतुर्मुखी विकास की आप बात करिए, उसका लाभ यही तबका लेता है। और यही तबका सबसे ज्यादा हरामखोर, ये सबसे ज्यादा गद्दार, सबसे ज्यादा गद्दार, ये देश के साथ गद्दारी करते हैं, ये गद्दारी करते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि ये सक्षम है, इनकी आवाज सुनी जाती है तो वो सुनाई देती है, तो सबसे ज्यादा हाय तोबा यही मचाते, कह रहे सरकार ऐसा कैसे कर दिया, सरकार ऐसे कैसे कर दिया। और बता रहा हूँ सबसे ज्यादा इस सरकार की सुविधाओं का जो लाभ इनको मिलता है, नगद नोट का जो लाभ मिलता है, मनीष जी जो इनकम टैक्स में छूट है पिछले 10 सालों के अंदर, वो किसान और मजदूर के लिए नहीं है, वो यही तबका है। जो इनकम टैक्स जो आज से 2014 में क्या रेट था और आज 2024 में क्या रेट है, हजारों रुपए का इनकम टैक्स, व्हीकल टैक्स के ब्याज में छूट, लोन होम लोन के ब्याज में छूट, एजुकेशन लोन के ब्याज में छूट, और ये जब जोड़िए तो मैंने एक बार कैलकुलेशन करके बताया था कि 1.25 लाख रुपए साल के, मनीष जी मतलब न्यूनतम इनको जोड़ लीजिए तो 1.25 लाख रुपए न्यूनतम, ये वो तबका है जो ये सुविधाएं लेता है। अगर आप इनकम टैक्स और ये सारे लोन इस तरह के जोड़ लीजिए, और वो मनीष जी जिसकी हम लोग बात करते हैं, डाटा डाटा जब वो 750 रुपए का डाटा मिलता था, 3 GB 4 GB, तब ये हाहाकार करता था, और आज जब 10 रुपए 12 रुपए में डाटा मिल रहा है, तो इसको मोटाई सवार है, हरामखोरी सवार है, गद्दारी सवार है, ये चमत्कार मानते हैं कि ये अपने आप को इतना ज्यादा मान लेते हैं कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हमारे मन के हिसाब से सब कुछ हो और हमारा कोई योगदान ना हो, हम कोई योगदान ना करें, निहायत स्वार्थी, निहायत धूर्त वो तबका है जो गायब हो गया, जिसने वोट नहीं डाला। मैं नोएडा की बात करूं, जैसे हमने 41%, तो 60% में उसमें 20%, 25% मान लीजिए कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी कि
किसी कारण से, लेकिन 60-70% होना चाहिए वो जो 30-40% का वोटर जो वोट डालने की अपनी ड्यूटी छोड़कर, और उसी कितने मक्कार हैं, कितने धूर्त हैं, कितने स्वार्थी हैं कि इनको छुट्टी उसी वोट डालने के नाम पर मिली, इनको छुट्टी उसी वोट डालने के नाम पर मिली, और ये देश के साथ विश्वासघात करके, और जिस प्रधानमंत्री ने इनको इतना दिया है 10 साल में, इनको हजार मतलब साल में अगर आप बात करिए सारे जोड़ दूंगा तो कम से कम 2 लाख रुपए साल का ये फायदा उठा रहे हैं, वो किसान और मजदूर को नहीं मिल रहा, वो 5 किलो जिसको अनाज मिलता है उसको 2 लाख रुपए साल का लाभ नहीं होता, उसके पीठ में छुरा मार के ये मौज लेने निकले हैं क्या, और जरा नैनीताल हो ले और जरा मंसूरी हो ले, तो ये जूताखोर तबका है, अब तो मतलब खुलकर कहना चाहिए ये जूताखोर तबका है, और जब इसमें जूते बरसते हैं, जब नोएडा में गुंडे कालर पकड़ के वसूली करते हैं कि हर महीने इतना पैसा दो और नहीं तो जीना हराम कर देंगे, लड़का तुम्हारा गायब कर देंगे, लड़की तुम्हारी गायब कर देंगे, जब इन पे जूता बरसता है तब इनको हाय दैया करते हैं, तब इनको फलाना आ जाता, धमाका आ जाता, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो कैसे गद्दारी करते हैं, कैसे छुरा मारते हैं देश की पीठ पर, और जिस आदमी ने उनके लिए किया है इसका सबसे बेहतर नमूना नोएडा है, जहां बता रहे 40% वोटिंग हुई है, अनपढ़ नहीं रहते, गवार नहीं रहते, जाहिल नहीं रहते, लफंगे नहीं रहते, बड़ा इलीट तबका, उसको बड़ी बदबू आती है, कह रहे सोसाइटी बड़ी गंदगी बदबू आ रही है, लेकिन जो देश की बदबू है जब उसको हटाने की बात आती है तो ये कैसे गायब होते हैं गधे के सिर से सींग की तरह, इनसे ज्यादा हरामखोर और इनसे ज्यादा गद्दार तो इसलिए है मनीष जी, इनको छुट्टी मिली है वोट डालने के लिए, और इसमें मनीष जी मैं बताऊंगा कि एक लखनऊ में है, उनके यहाँ 800 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और वोटिंग वाले दिन छुट्टी रहती है, लेकिन एक काम जबकि निजी संस्थान है, उन्होंने नियम बना दिया है कि वोट पर वोट क्यों, आज वोटिंग हुई कल दूसरे दिन आपको आना है ऑफिस, आना वर्कशॉप में आना, उनकी कि वो आकर उस कर्मचारी को अपना वोट का साइन दिखाना पड़ता है, और अगर वो अगर उसके वोट का साइन नहीं है तो उसकी तनख्वाह कट जाती है एक दिन की, ऐसे भी प्रतिबद्ध लोग हैं इस लखनऊ शहर में, 800 कर्मचारी हैं, उन्होंने नियम है कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी, लेकिन दूसरे दिन आकर तुमको निशान दिखाना पड़ेगा तब तुम्हारी छुट्टी रजिस्टर्ड होगी, नहीं तो तुम्हारा एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी, सरकार को ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को पता नहीं कौन से औधी खोपड़ी के लोग बैठे हैं, कैसे बेवकूफ लोग बैठे हैं, और उनको सलाह देने जो नेता गए थे, ये पता नहीं कितने अकलमंद नेता गए थे भाजपा की तरफ से, वो उनसे तो मैं उम्मीद ही नहीं करता, वो तो चाहते कि कम वोटिंग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, जब इलेक्शन कमीशन ने सलाह के लिए बुलाया था, ये प्रधानमंत्री मोदी को ये आदेश कर देना चाहिए हमेशा के लिए कि ये इलेक्शन डेट वो रखिए जो हफ्ता के बीच में हो, जिसके आगे कोई छुट्टी ना हो, जिसके पीछे कोई छुट्टी ना हो, बुधवार को रखिए, बृहस्पतिवार को रखिए, मंगलवार को रखिए, ऐसी छुट्टी रखिए कि इन्हीं दिन वोट पड़ेंगे, ताकि ये हरामखोर और ये गद्दार ये इसका नाजायज फायदा न उठा पाए बेशर्म लोग। बिल्कुल सर, और ये वही काम है जो कहती है, हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का यूज हो रहा है, और इसमें ज्यादातर सरकारी कर्मचारी या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले, क्योंकि सैटरडे संडे तो सामान्य कंपनियों में छोटे जगहों पे होती नहीं है दो दिनों की। असल में मनीष जी ये वो कौम है जो जूता जब तक नहीं पड़ता तब तक नहीं सुधरती, इससे 2 टैक्स असल में नहीं लिए जा रहा है, पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में वो 2 टैक्स है, एक GT और एक WT, ये 2 टैक्स इनसे नहीं लिए जा रहे, GT है गुंडा टैक्स और WT है वसूली टैक्स, तो वो गुंडा टैक्स और वसूली टैक्स क्योंकि बंद करा दिया है पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री योगी ने, तो इसकी चर्बी फिर मोटी हो गई, और इसको समाजवादी पार्टी के शासन ही चाहिए जब इसके इसकी खोपड़ी में जूता बजा के गुंडा टैक्स वसूले, इससे व्यापारी है तो उससे वसूली टैक्स ले, तब ये दुरुस्त रहता, ये जूताखोर तबका है जो वोटिंग के नाम पर छुट्टी लेने के बाद वोट डालने नहीं गया। बिल्कुल, ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ये प्रमाणिक रूप से इस रूप में कि नोएडा में सबसे कम वोटिंग हुई है और इलीट वर्ग रहते हैं, दिल्ली NCR का हिस्सा है, और ये अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं, हम मिडिल फैमिली हैं, और सरकार हमारा ख्याल नहीं रखती, तो सिर्फ सरकार ख्याल रखे और आप सिस्टम का ख्याल नहीं रखें, ये बताता है कि जिम्मेदारी, चाहे वोट किसी की भी पार्टी को देते हो, ये दिखाता है कि देश के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी किस रूप में निभाते हैं।